तो जिस माशरे की जाहिर में खैर है उसकी दकीक गहराइयों में खैर है, बस उसके सिलसिले तसलसल में अगर आपको कुछ शर मिला है तो आपने दो बड़ी खैर और हक को सामने रखते हुए क्यों फैसले नहीं किए, और क्यों आपने उस एक लड़ी को उठा के पब्लिसाइज किया है, अपनी तरजीहात की बेसिस पे मुझसे लड़ाई ले ली आपने। आप मेरे मुसलमान भाई हैं, मैं आपका मुसलमान भाई हूं, मेरी पर्सनल तरजीह उस दौर को लेके और आपकी पर्सनल तरजीह उस दौर को लेके उस पर हम मैं और आप लड़ाई करेंगे, क्योंकि आप मेरे सगे भाई से ज्यादा करीब हैं, मुझे तो आपके लिए जान दे देनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों का हदफ एक है। माजी के बुजुर्गों की तरजीहात को लेके हम अपना आज खराब कर रहे हैं, जबकि और अवाम में ले गए हम अपनी लड़ाई को। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक मियां बीवी हैं, उनके कमरे में हजार इख्तलाफ होते हैं, मगर बेवकूफ है वो घराना और बेवकूफ है वो कायदी और बेवकूफ है वो सियासी जमातों के कायदी और बेवकूफ है वो मजहबी जमातों के कायदी, जो अपने आपसी बड़ों की उम्र के इख्तलाफात को अवाम में लेके चले गए, जिसके पास न खैर शर का मुआजना, न तरगीब तरहीब के उसूल, न मुतलक मुकय्यद का फर्क, न हुक्म और सबब की समझ, न अगियार और अपनों का फहम, न फलसफे और अमल के बीच की नौयतों का रब्त, ना इल्म, ना बड़ी फिकर, ना दुश्मन का फहम, ना दोस्त की समझ, उसमें ले गए आप इन मसाइल को। तो भी तुम फैसला करो, और तुम्हारी तरजीह जो होगी वो फैसला करेगी दो खवास के बीच में कि हम में विनर को। तो सलाम है ऐसी जमहूरियत को जिसकी बुनियाद पर दो खास का इंतखाब होता है, यानी अवाम फैसला करेगी कि खासों में से खास कौन है। सही। और सलाम है ऐसी फेसबुक फॉलोइंग को जिसके बीच में दो मसलकों और दो उलमा, दो आलिमों के बीच में फैसला किया जा रहा है कि हक और बातिल कौन है। और सलाम है ऐसे दो कायदीन को जो अपने से बड़े कायदीन का फैसला कराने के लिए अपने बीच में वो वसत पैदा ना कर सके कि उस माशरे से हम अपना तनाव खत्म करते, हमने उस माशरे के तनाव को अवाम में करके अपनी नफ्सियात और जातियात का मसला बनाया।